जानकारी से आपको रूबरू करा दें, रोपड़ से मुख्तार यूपी के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है, एम्बुलेंस से यूपी लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। तो यूपी पुलिस के काफिले के बीच आ रहा है मुख्तार। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, बांदा जेल में मुख्तार को किया जा रहा है शिफ्ट और रोपड़ जेल से मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है। रोपड़ से मुख्तार यूपी के लिए रवाना हो चुका है और यूपी पुलिस के काफिले के बीच में मुख्तार का एम्बुलेंस है। यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में मुख्तार को यहाँ लेकर आ रही है, एम्बुलेंस से यूपी लाया जा रहा है मुख्तार। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को अब यूपी लाया जा रहा है। यूपी पुलिस के काफिले के बीच में आ रहा है मुख्तार अंसारी, जहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांदा जेल में मुख्तार को शिफ्ट किया जाएगा। सभी कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद मुख्तार अंसारी को बंद किया जा रहा है। तो मुख्तार की आज घर वापसी तय है। एक बड़ा अपराधी जो है यूपी लाया जा रहा है। ऐसे में ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोपड़ से मुख्तार अंसारी को निकाला गया है, एम्बुलेंस में बिठाकर मुख्तार अंसारी को यूपी के लिए रवाना किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर, यूपी पुलिस का ये जो काफिला है, इस काफिले के बीच में मुख्तार अंसारी का जो एम्बुलेंस है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एम्बुलेंस से यूपी लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी, रोपड़ से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। सभी कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद अब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रोपड़ से मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में निकाला गया और ये तस्वीरें हैं आपके सामने। यूपी पुलिस के काफिले के बीच में मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस गया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आमिर हुसैन बांदा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस से लेकर रवाना हो चुकी है, ऐसे में कई घंटों का वक्त लग सकता है, रात्रि का भी समय आ सकता है, तो ऐसे में रात को रुकने के क्या कुछ इंतजाम है, इसको लेकर कुछ अपडेट है आपके पास? साउंड बता दूं, जिस तरह अभी लगभग 2:30 बजे मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा के लिए लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है, जो 800 किलोमीटर लंबा सफर है, रात तो होनी ही होनी है, तो यकीनन कहीं ना कहीं रात में रुकना पड़ेगा। और सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर रात में रुकना पड़ता है तो रास्ते जिस भी जिले में पहुंचेंगे रात में, वहां पर रात में पुलिस लाइन पर ही रुकने का इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम काफी है, वज्र वाहन है, तमाम फोर्स है, तो इस फोर्स के साथ में बड़ा अमला है, सबका इंतजाम रुकना पड़ेगा, सुरक्षा जरूरी है, तो निश्चित रूप से अगर रात में रुकना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है कि रात में रुक रहे हैं कि सीधे लेके आ रहे हैं, फिर भी अगर रात में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुलिस लाइन पर जो कि सुरक्षित होती है वहां पर रोका जाएगा। पर अगर नहीं रुकते हैं रात में तो फिर सुबह तक 6 बजे तक मुख्तार अंसारी बांदा आ सकता है। जी श्रावणी जी, आमिर, खबर ये भी आ रही है कि यूपी पुलिस का जो काफिला है उनके साथ कुछ एक दो प्राइवेट गाड़ियां भी साथ चल रही है, क्या इन गाड़ियों में मुख्तार अंसारी के करीबी हो सकते हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने डर बताया अपना कि कहीं गाड़ी वगैरह वगैरह तो बताई बातें, तो निश्चित रूप से जो मुख्तार अंसारी काफिला चलता है तो उसके आगे पीछे जो है उसकी पर्सनल लोग गाड़ी में चलते हैं। हालांकि परिवार से बात सामने आई थी, बड़े भाई ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हमारा साथी कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही तो निश्चित रूप से परिवार के उनके खास लोग ही होंगे, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से या जो इस तरह का शक होगा तो उनके खास लोग ही उस गाड़ी में चल रहे हैं। जी श्रावणी। आमिर, देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लगातार याचिका दायर की जा रही है, जहां पर पत्नी ने याचिका में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर, सुनिश्चित करने को लेकर याचिका दायर की थी, तो ऐसे में क्या कुछ सुनवाई हो सकती है, क्या मुख्तार अंसारी के परिवार को विकास दुबे वाले प्रकरण से डर लग रहा है? जी बिल्कुल, लगातार यही बात सामने आई, जिस तरह से उनकी पत्नी ने एडमिट दिया है कि उन्हें खतरा है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, जान खतरा बताया है, तो ये निश्चित से बड़ी बात है, लेकिन कोर्ट ने उस बात को अभी सुना नहीं है और मुख्तार अंसारी बांदा भेजा, तो सीधी सी बात है उसको बांदा भेजा ही जाएगा। अब ये रास्ते में जो सुरक्षा है उसको लेकर के पुलिस को सतर्क रहने कहा गया है, साफ निर्देश दिए कि सेफली बांदा पहुंचाया जाए और सुरक्षित रूप से उनको पहुंचाया जाए ताकि उनकी सुनवाई शुरू हो सके, लेकिन परिवार का डर अपनी जगह है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि
बिगरू कांड वाली घटना से जोड़ा जा रहा है, तो वो डर उनका है, बना हुआ है डर। लेकिन इसी बीच उनके भाई के द्वारा एक बयान आया था कि हमें यकीन है कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय कोर्ट पर यकीन है और हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे जो है हम उस पर, हमें सरकारों पर यकीन है। लेकिन सरकार पर अब जो है जिस तरह से सुरक्षा लेके आ रही है टीम, तो कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है। देखिए इस बात को लेकर के कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसी को लेकर